हेलो दोस्तों दोस्तों अज की वीडियो में आप गल करेंगे जो स्मार्ट राशन कार्ड पंजाब अप्लाई किमें करना है ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से आप पूरी डिटेल इसकी जानकारी देवे तो वीडियो में पूरा देखो जो तो एक भी पार्ट इसका स्किप करोगे तो वीडियो का प्रोसैस समझ नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी बनाने। ओके दोस्तों तो इस वीडियो में आप देखा कि अपना न्यू राशन कार्ड अप्लाई किमें करना है इतने आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं तो डुप्लीकेट राशन कार्ड किमें बनाना करैक्शन किमें करनी राशन कार्ड में तो राशन कार्ड ट्रांसफर किमें करना है इस तो बाद सरेंडर ऑफ द राशन कार्ड जो आप पहले अप्लाई किया उसका फॉर्म सरेंडर फॉर्म कितों उन्होंने करना है तो नाम आईडी ऐड करना है या डिलीट करना है ये सारी आप जो भी फीचर ने आप इस साइट थ्रू आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों अगर चलने से पहले साडा चैनल सबसक्राइब कर लो वीडियो लाइक कर लो। हाँ दोस्तों आप मेन मेन गल दस दें सब तो पहले आप इस साइट उपर पहुँच जाएंगे तो अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाके इस साइट ओपन करके उत्थे भी ये सेम प्रोसैस कर सकते हो। इसका लिंक मैं तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे। तो दोस्तों सब पहले इस तरह का फॉर्म अपने सामने ओपन हो जाता जो आप इस साइट उपर जाने तो ये जो नीचे परसनल डिटेल दसी आप इस तो स्टार्ट करना है सब तो पहले आप परसनल डिटेल भर लेंगे। इतने इन्होंने साफ मैनशन किया हुआ कि जिन्हों के उपर स्टार लग्या है वो भरने लाजमी है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है जो भारत के राष्ट्रपति का नाम की है। नंबर एक नरेंद्र मोदी, नंबर दो रामनाथ कोविंद, नंबर तीन अमित शाह, नंबर चार JP नड्डा। ओके दोस्तों जो आंसर आता तो कमेंट करो इस कॉलम में आप चेक कर सकते हैं। तो सब तो पहले आप गल कर लिए था पहले फुल नेम जिदा आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका फुल नेम मिडल नेम तो फस्ट नेम। ओके दोस्तों उस तो बाद एज लिमिट है तो होम स्टेटस आप सिलेक्ट करके इसके बाद आप कर लेंगे जो भी अपने पंजाब एरिए है तो आप सिलेक्ट कर लेना तो उस बाद डेट ऑफ बर्थ पा देनी है उस मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस आधार कार्ड नंबर बहुत जो कंपलसरी है। तो इस बाद कंप्लीट रेजिडेंस एड्रेस अपना एड्रेस जिते का वो आप फिल कर देंगे तो थोड़ा जूम कर देना ताकि तुम मार के दिख जाए। हाँ तो इस बाद इंट्रोडक्शन देना आप इतने अपने पिंड का या शहर का टाउन का जोड़े भी आप एरिए रहने तो डिपार्टमेंट तो उस तो बाद आप डिस्ट्रिक्ट ले देंगे आप। ओके दोस्तों इस इन्होंने तिना भी ऑप्शन भरने लाजमी है ना। तो इस तो बाद आप फैमिली की डिटेल देनी है तो पहले आप नाम लिख लेंगे जिमें मैं खुद बना रहा तो मैं पहले आपका नाम लिखूंगा तो उन्हें लिख दूंगा खुद लिख दूंगा ज सैल्फ लिख दूंगा उस तो बाद मैं आपकी एज लिख दूँ तो उस तो बाद इंडियन लिख देंगे उस तो बाद अपना उरे जो मजदूरी दिहाड़ी जो भी अपना कम है उसका आप डिटेल लिख देंगे उस तो बाद अपनी घरवाली का नाम या जो फैमिली से कोई है उस तो बाद उसकी आप पूरी डिटेल सेम सेम इतने भरते रहेंगे नाम के नाल। तो उस तो बाद अदर डिटेल की गल करिए टोटल जो इनकम है अपनी एक साल की इनकम का आप इतने प्रूफ देना होंगे इन रुपीज़ इतने क्लिक करके आप भर देंगे कि इन्नी रुपीज़ मेरी इनकम है जिन्नी भी बनती अपनी। तो इस तो बाद जे तुम टैक्स पे हो तो यह कॉलम भरना नहीं इनू छोड़ दो। दोस्तों इस तो बाद डू हैव जे तुम्हारे को गैस कनैक्शन है यस या नो कर दो जो नहीं है तो नो कर दो। तो इस तो बाद मतलब जिस तो आप गैस करते हैं इंडियन भारत जी भी गैस अपने आँदी है उसका तो अपनी कापी का नंबर होंगे इतने आप फिल कर देंगे। उस तो बाद इन्होंने इतने साफ मैनशन किया थोड़ा जूम कर लें आप आर यू वॉन्ट ये भी तुम जो कणक आँदी है सरकार वालों वो लेने हो या नहीं उस बारे इसने डिटेल से यस या नो जो लेने हो तो कर देंगे इतों। इस तो बाद अदर डिटेल की गल करिए जे तुम रेंट पर रहने हो मतलब कि सॉरी इन्हों जे एक प्रूफ चाहिए जिमें अपना लेटेस्ट बिजली का बिल हो प्रूफ होवे कोई अपना अपना रेसीडेंस प्रूफ उस तो बाद करने तो बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने तो बाद एक थोड़े को OTP आएगा जो तो आप सेव रखना है जो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो क्योंकि उस OTP थ्रू ही कुछ दिन बाद थोड़े को एक मैसेज तो मेल आई डी तो मेल आ गया जो थोड़े मतलब कि अप्लाई हो गया है लागू हो गया तो उसका लिंक तुम्हें शो कर सेंड कर दिया जाएगा जितने लिंक पर क्लिक करके वो आराम नाल डाउनलोड कर सकते हो अपना जो भी स्मार्ट राशन कार्ड आप अप्लाई किया है।